नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं IBSEIU 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने दो वीडियोज़ बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने पार्ट वन और पार्ट टू, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको डिस्कस किया हुआ है, और जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने उन पिछले दो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, वहाँ से आपको IBSEIU का जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर मैथ्स का जो मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया है, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये हमारा पार्ट नंबर थ्री है। इसके बाद हम जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको टॉपिक वाइज देखना है तो मैंने वीडियोस बनाया हुआ है अलग अलग मैथ्स के टॉपिक पे, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। दोस्तों इसका अगर आपको वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर जाकर टाइप करना है @thefinaltouch। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्लेसेस आर एंड एस आर 800 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। टू पर्सन स्टार्ट फ्रॉम टूवर्ड्स एस एट एन इंटरवल ऑफ 2 आवर। स्टार्ट फ्रॉम आर होना चाहिए यहाँ पे, स्टार्ट फ्रॉम आर टूवर्ड्स एस एट एन इंटरवल ऑफ 2 आवर। वेयर एज ए लिव्स फॉर आर, आर फॉर एस बिफोर बी, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 40 किलोमीटर पर आर एंड 60 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली। बी ओवरटेक्स ए एट एम विच इज ऑन द वे फ्रॉम आर टू एस। वॉट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू मीट एट एम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। देखिए दो जो प्लेस हैं आर और एस, ठीक है, यहाँ से ये आर हो गया और ये एस हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है 800 किलोमीटर दिया गया है, ओके। दो पर्सन हैं ए और बी, वो क्या करते हैं आर से एस की ओर जाते हैं। ए और बी जो है आर से एस की ओर जाते हैं, ओके। फिर क्या होता है कि ए जो है बी से 2 घंटे पहले निकलता है, ओके। उसके बाद फिर क्या होता है, बी निकल जाता है और वो रास्ते में कोई जगह यहाँ पे एम है वहाँ पे मिलते हैं वो लोग, ठीक है। और दिया गया है कि जो ए की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे है और बी की जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ये कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू मीट एट एम, यानी कि ए एम पे जो पहुंचता है वह टाइम निकालना है, बी जिस टाइम पे पहुंचता है वह टाइम निकालना है, और दोनों का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ए का जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे है दिया गया है, और बी का 60 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है, ओके। ए जो है बी से 2 घंटे पहले निकलता है, अगर ए बी से 2 घंटे पहले निकलेगा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो यह कितना दूरी तय करेगा, 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। अब ए और बी, अब फिर क्या होता है 2 घंटे बाद बी भी चल देता है, तो बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और ए भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो माइनस हो जाएगा, यानी 60 माइनस 40, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ओके। अब देखिए बी भी चलना स्टार्ट कर दिया है, ए भी चलना स्टार्ट कर दिया है, और उनको जो डिस्टेंस कवर करना है वह 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, और स्पीड क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ओके। अब कितना टाइम लगेगा 80 किलोमीटर कवर करने में, तो 80 किलोमीटर कवर करने में उन्हें जो टाइम लगेगा वह लगेगा 4 घंटे, यानी कि बी जो है 4 घंटे चलेगा तो एम पे पहुँच जाएगा, तो जो बी का टाइम हुआ एम तक पहुंचने में वह 4 घंटे हो गया, और जो ए का टाइम होगा वह कितना होगा, तो 4 घंटे तो अभी चला है ये, लेकिन बी के चलने से 2 घंटे पहले उसने स्टार्ट किया था, तो 4 + 2 वह कितना दूरी, कितना टाइम चला है, 6 घंटे चला है, ठीक है। तो ये उनके टाइम का रेशियो हो गया जिसमें वो एम पे पहुँचेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3:2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, 3:2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पीछे करके आप जो मैंने लिखा था उसको देख सकते हैं, अभी वो हट गया है, ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन इसका आंसर, इसका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजय कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विथ हिज ओन स्पीड बट व्हेन ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर हिज टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीजेस बाय 40 आवर्स व्हाइल इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्पीड ही टेक्स 10 आवर लेस देन द ओरिजिनल टाइम टेकन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। मतलब यह है कि देखो अजय जो है किसी स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है कम कर दे, रिड्यूस कर दे, तो उसको जो टाइम लगता है वह 40 घंटे एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दे तो उसे 10 घंटे कम लगता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल मिला करके कितनी दूरी जो है वह तय कर रहा है अजय, ठीक है। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लो कि कोई पर्सन है वह किसी सडन स्पीड से जा रहा है और वह अपनी स्पीड को बढ़ा दे तो टाइम घट जाता है और स्पीड को घटा दे तो टाइम बढ़ जाता है। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस एस वन, जब स्पीड बढ़ाया है, अपॉन एस वन इंटू जो टाइम का डिफरेंस आया है वो लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू होता है एस इंटू, यहाँ मान लो यहाँ पे टाइम घट स्पीड घटाया है तो एस माइनस एस वन अपॉन एस वन इंटू, ये डेल्टा टी वन है और ये हो जाएगा डेल्टा टी टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। अब चलिए जो मैंने लिखा था वीडियो को बैक करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एस, और पहले उसने स्पीड क्या किया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस 10 अपॉन, फिर क्या होता है यहाँ पे एस वन लिखेंगे यानी कि 10 इंटू टाइम कितना हो जाता है एक्स्ट्रा उसको लग जाता है 40 घंटे इज इक्वल टू एस इंटू, दूसरे केस में क्या होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड बढ़ा देता है तो S प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे टाइम जो हो जाता है, यहाँ पे जो स्पीड घटा है कितना बढ़ा है कितना है 5 हो जाएगा S इंटू एस प्लस 5 अपॉन 5, और यहाँ पे जगह नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटू कितना टाइम कितना कम हो जाता है 10 घंटे टाइम जो होता है कम हो जाता है। तो जो इक्वेशन हमें मिला है वह क्या मिला है यहाँ क्लियर लिख देता हूँ मैं, S इंटू एस माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 40 इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 10, ओके डी इज इक्वल टू यही होगा, ठीक है, यहाँ पर डी इज इक्वल टू इतना आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो 10 चौके 40 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2s माइनस 20 इज इक्वल टू एस प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2s माइनस s क्या हो जाएगा s, s इज इक्वल टू 25 आ गया। अब s की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर आ गई, यानी कि जो उसका स्पीड था ओरिजिनल वह था 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ 25 रख दीजिए बस किसी में भी, तो यहाँ s इज इक्वल टू 25 इंटू 25 में से 10 घटेगा कितना होगा 15 डिवाइडेड बाई 10 गुणे 40, ओके ये 10 चौके 40 हो जाएगा, 25 चौके 100, तो 15 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 1500, 1500 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है अजय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर ये जो मैं सोल्यूशन लिखा हूँ हट जा रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड हाउस ऑफ सुरेश इज 80 किलोमीटर, वन डे ही वॉज लेट बाई 1 आवर देन द नॉर्मल टाइम टू लीव फॉर द कॉलेज, सो ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर एंड दस ही रीच्ड द कॉलेज एट द नॉर्मल टाइम, व्हाट इज द चेंज स्पीड ऑफ सुरेश, ठीक है। यानी कि जो सुरेश है उसके घर से स्कूल की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक दिन क्या होता है कि वह एक घंटे लेट हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से अपने, तो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है कितने से 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, ओके, और वह टाइम पे स्कूल पहुंच जाता है, तो उसका जो चेंज स्पीड है वह कितना होगा, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑप्शन से काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है कि उसका चेंज स्पीड क्या है, बदली हुई परिवर्तित चाल उसकी क्या है,
तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो उसकी बदली हुई चाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसकी बदली हुई चाल दी गई है, अगर उसमें से हम चार माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, उसका ओरिजिनल चाल मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे बदली हुई चाल अगर 24 है तो ओरिजिनल चाल कितनी होगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। बदली हुई चाल अगर 24 है तो ओरिजिनल चाल उसकी 20 हो जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस जो उसे कवर करना है वो कितना करना है, 80 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल टाइम कितना लेगा वो, तो 4 घंटे। अगर ये 20 की स्पीड से जाएगा तो उसे 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर वो 24 की स्पीड से जाएगा तो क्या उसे 3 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे। यहाँ पे 80/24 कर दोगे तो कुछ डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर हम आगे देखें, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 20 को, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि उसकी बदली हुई जो स्पीड है, चेंज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका ओरिजिनल स्पीड कितना होगा, क्योंकि 20 जब 4 बढ़ाया है तब 20 स्पीड हुई है, तो ओरिजिनल स्पीड उसका कितना हो जाएगा, 4 कम कर देंगे यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर वह 16 के स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर करता है तो जनरली उसे कितना टाइम लगता है, 80 किलोमीटर स्पीड है, टोटल डिस्टेंस है, तो 16 × 80 यानी 80/16 करेंगे तो 16 × 80 5 घंटे लगेगा। और अगर उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो उसे 80 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 20 × 80 4 घंटे लगेगा। मतलब ये कि देखो, जब वो 1 घंटे लेट हुआ है तो उसने अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया है, तो वह 4 घंटे में ही पहुंच जाता है। 1 घंटे उसने पहले लेट किया था और उसने 4 घंटे में पहुंच गया, तो पूरा 5 घंटे में वह स्कूल पहुंच गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो काफ़ी आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाला ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाला। मतलब यह है कि बाला है वह क्या करता है, वह पूरे डिस्टेंस का 1/3 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता है, तो उसका एवरेज स्पीड बताना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, 1/3 बोला है और 1/3 बोला है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है मान लेते हैं 333 है ना, तो 3 3 3 3³ कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वह 270 किलोमीटर है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं अपने ओर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 बोला है, तो उससे क्या होगा ना कि 270 आराम से 1/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसलिए 270 लेना हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम क्या कर लिए, डिस्टेंस ले लिया 270। तो अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 270 डिवाइडेड बाई, देखो पहले 1/3 लेना है, तो 270 का 1/3 कितना हो जाएगा, 270 का 1/3 90 हो जाएगा, और ये दूरी तय करता है कितने स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, प्लस अगला जो दूरी है वो कितना है, वह भी 1/3 ही है, ठीक है। तो ये भी 90 और ये कितने स्पीड से तय करेगा, तो इसको ये तय करेगा 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसके बाद जो अगला डिस्टेंस है वह कितना है, 90 और इसको तय करेगा वह 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। अब 270 नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ले लिए भाई तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट ओके। यहाँ से हमने 270, अब हम क्या करेंगे, 9 जो है सब जगह से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 9 ले लिया कॉमन, इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/6, ठीक है, ये मिल गया। अब ये 29 यानी 30 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, 30 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2 + 1/6। अब ये नीचे वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2 + 1/6 को अगर करेंगे तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से कर दिया, इसको ऊपर 6 से कर लेंगे और इसको 3 से कर लेंगे, तो 6 × 3 = 9 और 1 = 10 10/6 बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है, 10/6 ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 6 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 270 नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे दिमाग में इंस्टेंट यही आ गया, तो इससे भी करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगने वाला है, नॉर्मल भी टाइम नहीं लगेगा। ये इसका बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व
करने का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एट द एंड ऑफ बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट एट शेक हैंड्स विथ ईच अदर वंस, हाउ मैनी हैंडशेक विल देयर बी ऑल टुगेदर। यानी कि एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे 10 लोग हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, टोटल कितने हैंडशेक होंगे। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, वो फार्मूला ये होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे वह होंगे n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, 10। तो यहाँ पे आप रख लोगे हैंडशेक का नंबर निकालने के लिए 10 इंटू 10 में से 1 क्या कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, टोटल हैंडशेक कितने हो जाएंगे, 45। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल जो कि आपके IBSAIO एग्जाम 2017 में आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो वो रैबिट्स वाला था दोस्तों, उसमें मुझे कुछ डाउट लगा, यानी क्वेश्चन वो सही नहीं लगा मुझे, ठीक है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन मैंने उसमें जो भी थे जो ठीक लगे मुझे और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने 17 वाले करा दिए हैं, बस एक रैबिट वाला क्वेश्चन छूटा हुआ है क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।